हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल, वर्डेनाफिल या अवेनाफिल को कितने समय तक लिया जा सकता है, क्या इसके लंबे समय तक यूज़ करना सही है। इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि ओरल करते टाइम लड़की वीर्य को निगल ले तो क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वर्क ऑफ दिस मेडिसिन, अगर आपको पता नहीं है ये मेडिसिन किस काम आती है तो मैं बता दूं, अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, आपके लिंग में हार्ड इरेक्शन नहीं आता है या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो ये मेडिसिन इस ट्रीटमेंट में प्रिस्क्राइब की जाती है। ये मेडिसिन आपके लिंग में ब्लड फ्लो को तेज़ कर देती है जिससे आपको हार्ड इरेक्शन मिलता है। अब बात करते हैं इस तरह की मेडिसिन को कितने समय तक ली जा सकती है। एक बात अच्छे से समझिए, कोई भी मेडिसिन लंबे समय तक लेना ठीक नहीं होता है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर किसी पेशेंट को चेस्ट में पेन है या पेट में दर्द है या किसी विटामिन की कमी है तो क्या उसको ये मेडिसिन लंबे समय तक दी जा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। हम कोशिश करते हैं कि यह प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाए ताकि बार बार मेडिसिन खाने से बचा जा सके। कुछ बीमारी की मेडिसिन लंबे समय तक या ज़िंदगी भर चलती है, जैसे शुगर, जैसे ब्लड शुगर में, ब्लड प्रेशर में, हार्ट या किडनी प्रॉब्लम के लिए। कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी है जिनका इलाज नहीं है तो आपको मेडिसिन के सहारे ही ज़िंदगी जीनी पड़ती है। उसमें भी रिस्क है, अगर डोज मिस हो जाए तो उसमें भी प्रॉब्लम है और इन सारी दवा से बाद में बॉडी के बाकी ऑर्गन्स पर भी बैड इफ़ेक्ट पड़ता है और पेशेंट को कहीं ना कहीं इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है बार बार दवा खाने से। अगर किसी चीज़ का इलाज है और ये प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक हो सकता है तो बार बार मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, उस प्रॉब्लम को परमानेंटली ठीक करना ही बेस्ट सॉल्यूशन होता है। अगर कहीं बार बार पेन हो रहा है तो आप चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाए ताकि आपको पेन से भी आज़ादी मिले और दवा खाने से भी। और लंबे समय तक पेन किलर लेना भी सेफ़ नहीं होता है। अगर आपको किसी विटामिन की कमी है तो डॉक्टर आपको तब तक विटामिन की टैबलेट देते हैं जब तक आपकी बॉडी से विटामिन की कमी पूरी ना हो जाए। जब आपकी बॉडी खुद से विटामिन क्रिएट करने लगती है तो दवा को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अधिक मात्रा में किसी विटामिन का बढ़ जाना भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, तो ईडी भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसका परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। सही मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट मिले तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर आपको डॉक्टर ये सब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो आपको एक सर्टेन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम तक दवा देते हैं जिससे आपका प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक हो सके। और आपको भी चाहिए कि आपका प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक हो जाए, आपको करने से पहले बार बार मेडिसिन लेने की ज़रूरत ना पड़े। वरना मान लीजिए कभी आपके पास मेडिसिन नहीं रहा, आप कर नहीं पाए तो निराश होंगे, आपके रिश्ते में भी प्रॉब्लम आएगी। अगर ये प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक हो जाएगी तो आपको मेडिसिन लेने से छुटकारा मिलेगा और आप जब चाहे तब संबंध बना पाएंगे। लंबे समय तक मेडिसिन कब तक यूज़ करना है ये आपके प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। अगर प्रॉब्लम पकड़ में आ गया कि इस कारण से आपको ईडी की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी कॉज को जानना होगा कि किस कारण से आपको ईडी हुआ है। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है या ब्लड फ्लो ठीक नहीं है या फिर कोई और कारण है, तो इस चीज़ को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर स्टडी की बात करें तो 2 साल तक स्टडी हुआ, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए 1000 लोगों पर, जिसमें पाया गया कि 2 साल तक ये मेडिसिन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और बॉडी बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ। बट इसमें आज तक कोई लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं हुआ है जिससे पता चल सके कि 2 साल के बाद भी ये मेडिसिन उतनी ही इफ़ेक्टिव है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं एडवाइस की, तो एक बेसिक चीज़ है, किसी भी मेडिसिन को लॉन्ग टर्म लेना सही नहीं है जिसका क्योर परमानेंटली किया जा सकता है। किसी भी मेडिसिन को सही तरीके से, सही डोज में, डॉक्टर की देखरेख में लिया जाए तो वो सेफ होता है। बट हमेशा प्रॉब्लम को पकड़ के जड़ से ख़त्म करना ही बेस्ट सॉल्यूशन होता है।
तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू।